अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन ने की बैठक आयोजित। अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन द्वारा शासन को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें ठेका प्रथा को तुरंत रोकने की मांग की गई थी। साथ ही कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की मांग भी की गई थी और शासन को 15 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद आज अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन द्वारा बैठक आयोजित की गई और बताया गया कि शासन ने अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद अब वह काम बंद आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत गुना की सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारी अपना काम बंद कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के लिए अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए ये मीटिंग अति आवश्यक हो गई थी। क्योंकि पहले तो मैं हमारे मीडिया के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम महेश पारोचिया है और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज ये जो मीटिंग रखी गई है, ये हमने 8/12/2021 में ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन को प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चूँकि का हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था और 15 दिन पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए हमने ये मीटिंग का आयोजन किया है। क्योंकि आगे की कार्रवाई हमने 15 दिन के समय में उनको क्लियर बता दिया था कि काम बंद सफाई बंद कर दी जाएगी। आज हमारे साथ में सारे सफाई कर्मी एवं श्रमिक भाई उपस्थित हैं और ये मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि काम बंद करना है और सफाई बंद करना है। और मैं हमारे शहर के जो समाज जन हैं, हमारे शहर के भाई लोग हैं, सीधे साधे हैं, क्योंकि वो प्रशासन की कोई राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम समय पर काम बंद कर देंगे तो परेशान हमारे शहर के लोगों को होना पड़ेगा। इसलिए महेश पारोचिया हाथ जोड़ करके हमारे शहर के लोगों से निवेदन करता है कि ये ठेका प्रथा निजीकरण जो होने जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। इससे हमारे समाज की कमर टूट जाएगी, हमारे आगे आने वाले बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं वो कभी भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। ठेका प्रथा में हमारे समाज का बहुत बड़ा शोषण होगा, वह शोषण को रोकने के लिए ये हम समाज से, हमारे शहर के लोगों से हम निवेदन करते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे पेट के बच्चों के लिए, हमारे पेट के लिए ये आंदोलन हमारा जरूरी हो गया है। क्योंकि ये आंदोलन हम नहीं करेंगे तो हम लोग ठेका प्रथा में चले जाएंगे और ठेका प्रथा में हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ठेका प्रथा में ठेकेदार द्वारा हमसे कार्य भी अधिक लिया जाएगा और हमको उसका वेतन भी पूरा नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम सब ठेका के लिए निरस्त चाहते हैं। कलेक्टर महोदय से भी हम निवेदन करेंगे कि ठेका प्रथा को निरस्त किया जाए और हमको यथास्थिति में रखा जाए और हमारे जो 10 वर्ष के भाई लोग हैं उनके लिए बेनियमित और नियमित किया जाए और जिनको नियमित कर दिया था उनको स्थायी लेटर दिया जाए, ये भी मेरा आग्रह है।